तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था मैं जब सीजन वन का एलाइट पास लिया था उसके कुछ दिन बाद मेरी आईडी बैन हो गई, लेकिन मेरी सीजन वन की आईडी कभी बैन हुई नहीं थी। उस आईडी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि यार आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। और जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ऐसा हुआ था, अगर उस दिन मैं वो नहीं करता तो आज मेरे पास मेरी सीजन वन की आईडी होती। कहानी स्टार्ट होती है जब मैंने फ्री फायर को स्टार्ट किया था। उस टाइम में मेरा बहुत सारे दोस्त भी बने थे फ्री फायर में, वो सभी लोग ऐसे लोग थे जिनको मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता था, वो बस मुझे गेम के अंदर मिले थे, हम लोग साथ में गेम खेलते थे, गेम में मजे करते थे। देखो फ्री फायर को स्टार्ट करने का मेरा सबसे मेन रीजन यही था, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल नहीं था जिस वजह से मैं और कोई गेम नहीं खेल पाता था। उस टाइम पे फ्री फायर सबसे कम साइज वाला बैटल रॉयल गेम था जो कि मेरे मोबाइल के अंदर इजीली चल सकता था, उसके अलावा कोई और गेम चलता ही नहीं था। तो स्टार्टिंग में जब मैंने फ्री फायर को डाउनलोड करा था मुझे फ्री फायर इतना कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन जब फ्री फायर को खेलते मुझे कम से कम 10 दिन हो गए थे उसके बाद मैं फ्री फायर इतना ज्यादा पसंद आ गया था, जितनी भी देर मैं घर पे रहता था हर टाइम बस फ्री फायर खेलता रहता था। कम से कम दिन के 7-8 घंटे तो मैं फ्री फायर खेलता था। अगर मैं स्कूल में भी जाता था अपने सब दोस्तों से बस फ्री फायर की बातें करता रहता था, फ्री फायर में ये होता है वो होता है सबको यही बताता रहता था। लेकिन उस टाइम मेरे जितने भी रियल लाइफ के दोस्त थे उनमें से कोई भी फ्री फायर नहीं खेलता था। जब भी मैं किसी दिन बोया कर लिया करता था तो अपने दोस्तों को इतनी बार बताता था यार मैंने गेम में बोया कर लिया, वो लोग कहते हैं यार बोया क्या होता है। उस टाइम इतना बुरा लगता था, मैं सोचता था यार कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपने फ्री फायर के बारे में बता पाऊं। उस टाइम पे फ्री फायर हमारे लिए बस ये गेम नहीं था, उस टाइम पे फ्री फायर हमारा इमोशन था। लेकिन अभी तक मुझे फ्री फायर में माइक के बारे में पता ही नहीं था कि हम लोग माइक ऑन करके अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं या फिर जो भी हमारा टीममेट होगा उससे बात कर सकते हैं। अब जिस दिन मुझे इस ऑप्शन के बारे में पता चला था सच्ची में इतना खुश था, जितने मेरे टीममेट आ रहे थे सबसे हेलो कह जा रहा था, चाहे सामने वाले बंदे माइक ऑन नहीं करे तब भी इतनी बात कर रहा था। तो ऐसे यार उस टाइम मैंने क्लासिक स्क्वाड लगा दिया था, क्योंकि यार उस टाइम पे रैंक गेम तो मैं खेलता नहीं था, मुझे रैंक गेम खेलने में डर लगता था कहीं मेरे रैंक माइनस नहीं हो जाए, कहीं मैं प्लेटिनम से गोल्ड पे नहीं आ जाए। यार उसी दौरान मुझे गेम में मिले थे 3 बंदे जो कि यार आगे जाके मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। अब शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको गेम में कोई दोस्त मिला होगा फिर उसके बाद आपका वो दोस्त इतना अच्छा बन जाता है जितना आपका कोई रियल लाइफ में भी नहीं। यार यही सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, वो तीनों मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए, हमेशा मैं उनके साथ स्क्वाड गेम खेलता और हम लोग डेली 6-7 घंटे खेलते रहते। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन बंदों ने मेरी आईडी पासवर्ड मांग लिया होगा फिर मेरी आईडी हैक कर ली होगी तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तब भी ठीक था, लेकिन यार इससे भी कुछ खतरनाक हुआ था। यार पहले तो हम लोग का स्क्वाड था, हम लोग साथ में खेलते रहते थे, लेकिन यार ऐसा होता था बाकी जो 2 बंदे थे वो ज्यादातर बिजी रहते थे तो वो लोग आ नहीं पाते थे। अब जो बाकी 1 बंदा बचा था यार बस वही मेरे साथ खेल पाता था तो हम लोग डुओ खेलते थे। यार अभी तक तो कहानी की स्टार्टिंग थी, असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है। यार आप लोग भी इसे जरूर सुना था कि अगर आप लोग की कोई आईडी हैक करने की कोशिश करता है तो आप लोग उससे बच पाओ, क्योंकि आपका बिना आईडी पासवर्ड जाने भी आपकी कोई आईडी हैक कर सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, इसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस क्या आपको लूडो खेलना पसंद है? और अगर मैं ये कहूं कि आप लोग अपने लूडो के गेमिंग स्किल से जीत सकते हो 10 करोड़ रुपीस डेली, जी हाँ आज हम बात करने वाले प्लेयर स्पॉट ऐप के बारे में, जहां पर आप लोग अपने बचपन में खेले जाने वाले सारे गेम्स को अपने फोन में खेल सकते हो और जीत सकते हो करोड़ों में। तो गाइस मैं बात कर रहा हूं प्लेयर स्पॉट के बारे में, जो इंडिया का सिक्योर और मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है, जो ना ही सिर्फ मेरे गेमिंग स्किल से रियल कैश जीतने का मौका देता है पर अपने घर के कंफर्ट फ्रेंड्स फैमिली को चैलेंज करके उनसे जीतने का मौका देता है। देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्लेयर स्पॉट ऐप को डाउनलोड करो और दिखाओ अपने लूडो गेमिंग स्किल्स। अब आप भी प्लेयर स्पॉट ऐप अपनी गेमिंग स्किल की मदद से जीत सकते हो 10 करोड़ रुपीस तक। मैं बताता हूँ कैसे मैंने अपना फेवरेट गेम लूडो खेलकर विनिंग्स की है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे डाउनलोड लिंक को क्लिक करो, उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग लूडो गेम ज्वाइन करो और अब अपने दोस्तों को चैलेंज करो और यूज करो हमारा लाइव चैट एक्सपीरियंस और इनवाइट करो उन्हें अपने प्राइवेट लूडो गेम चैलेंजेस में। अब अपने घर के कंफर्ट या फिर कहीं से भी इस ऐप पर आप लोग लूडो जैसे गेम्स खेलकर जीत सकते हो। मैं जानता हूं अब आप लोग पूछोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों, क्योंकि ये 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप, तो आप लोग जानते हो आपके पैसे सेफ। 7 मिलियन से ज्यादा यूजर इस पर रोजाना गेम खेलते हैं तो अब आपको कोई भी गेम खेलने में वेट नहीं करना पड़ेगा। हर टेबल हर मैच में अश्योर्ड एंड जेन्युइन विनर्स। अब ये सब बेनिफिट्स के साथ एक और शगुन, हाँ मेरा रेफरल कोड प्लेस200 यूज करना और एंजॉय करना 200 रुपीज का साइन अप बोनस। तो जल्दी से प्ले स्पॉट ऐप को डाउनलोड करो और आज आओ प्ले स्पॉट ऐप पर एंड खेलो और चैलेंज करो अपने फ्रेंड्स को। अब मुझे भी चैलेंज करो, देखते हैं करोड़ों की विनिंग कौन जीतता है। इस ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब बारी आती है फ्री फायर में पहले लेट पास आने की, जो था हमारा सीजन 1 का लेट पास। तो यार जैसे वो लेट पास आया था तो हम सब बंदों ने प्लान करा था हम लोग लेट पास को लेंगे। अरे हमने सोचा था अभी तो पूरे 30 दिन है लेट पास का, हम कभी ना कभी परचेज तो कर लेंगे, हमारे पास अभी पूरा 1 महीना है। और जब सीजन 1 का लेट पास आया था तो उस टाइम यार एक अफवाह भी उड़ी थी कि अगर हम लोग लेट पास ले लेते हैं तो हमारी मूवमेंट स्पीड तेज हो जाएगी, हमारे हेडशॉट भी ज्यादा लगेंगे, मतलब कि हम लोग फ्री फायर में प्रो हो जाएंगे अगर हम लोग लेट पास ले लेते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा था कि लेट पास ये वाला जरूर लेना है। आज मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो यार कुछ दिनों से हमारी वीडियो के व्यूज होते हैं बहुत ही कम हो गए यार, यूट्यूब ने हमारी रीच पूरी खत्म कर दी है। यार बस अब आपके हाथ में, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो तो हमारी रीच दोबारा से बढ़ जाएगी। तो यार प्लीज आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कर देना। आज मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब को नहीं बोलूंगा, अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर देना, लेकिन बस एक शेयर जरूर कर देना। और अगर आपकी भी कोई फ्री फायर की ओल्ड मेमोरी है तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान करा था कि हम दोनों लाइट पास लेंगे। यार मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कैसे मैंने सीजन 1 का लाइट पास लिया था। उस टाइम में मेरे घर के पास ना ही तो कोई पेटीएम डालता था ना ही कोई रिडीम कोड देता था, लेकिन उस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पे ऑफर चल रहा था, अगर हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उस पर हमें 20 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद भी हो कि पहले कोल्ड ड्रिंक पे ऐसे कैशबैक मिलता था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सीजन 1 का लाइट पास लेने के लिए मैंने एक दिन के अंदर 20 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पी थी। यार इतनी मेहनत करने के बाद इतनी देर रुकने के बाद गाइस फाइनली मैं जो
सीजन वन का इलाइट पास था वो तो ले लिया, लेकिन जो मेरा दोस्त था गाइस उसने अभी तक नहीं लिया था। तो यार जिस दिन मैं इलाइट पास लिया उसी दिन वो बंदा मुझसे पूछता भाई इलाइट पास तूने कहां से ले लिया। उसको मैं पहले ही बात बता चुका था, ना ही तो मेरे घर के पास पेटीएम डल रहा है ना ही मेरे पास रिडीम कोड मिल रहा है। उस बंदे को मैंने बता दिया कोल्ड ड्रिंक में मतलब 20 रुपए कैशबैक मिल रहा है, तो मैंने 20 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पी, उसके बदले में ये इलाइट पास ले पाया। ये बात सुन के वो बंदा और भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उस बंदे का ना ही तो पेटीएम अकाउंट था ना ही उसके घर पास कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी। ये सब बातें मैं आप लोगों को ऐसे फालतू में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इन बातों को याद रखना, आगे का जितना भी स्कैम होने वाला है वो सब इससे रिलेटेड है। उसके बाद वो बंदा फोन काट देता है, मुझसे बोलता यार अब तो मैं लाइट पास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो सीजन वन के लाइट पास का लास्ट डेट है। अगले दिन जब मैं उठ के देखता हूँ भाई यार सीजन वन का लाइट पास जा चुका है, उस दिन मैं देखता यार इतना ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि मैं बैचेस भी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन वो बंदा होता बहुत ही खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे को ये बात बुरी लग रही थी कि मुझे सीजन वन का लाइट पास मिल गया था जबकि उसको नहीं मिल पाया। जैसे सीजन वन का लाइट पास एंड हुआ था उसके तुरंत बाद सीजन टू का लाइट पास भी आ गया था। एक दिन उस बंदे का कॉल आता है, वो मुझसे बोलता है उसका पेटीएम का अकाउंट नहीं है लेकिन उसे कोल्ड ड्रिंक मिल चुकी है जिसमें पेटीएम का कैशबैक मिल रहा है। तो बंदा मुझसे कहता है कि मैं रिडीम कर लूं से, और फिर उससे रिडीम कोड बना के उस बंदे को भेज दूं ताकि वो सीजन टू का लाइट पास ले पाए। अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा स्कैम, वो बंदा मुझे क्यूआर कोड सेंड करता है, मुझसे बोलता है स्कैन कर, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को मुझे बता देना, उसके बाद तुम्हारे पेटीएम कैश आ जाएगा। यार यहाँ पर मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, मैं कह यार ओटीपी का तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन ये बंदा मुझसे ओटीपी क्यों मांग रहा है। जब मैं उससे ये बात पूछता भी हूँ तो वो बंदा बोलता है कोई और सी कोल्ड ड्रिंक स्पेशल होता है, पहले ओटीपी लेना पड़ता है उसके बाद ही पेटीएम आ पाता है। इसके बाद फाइनली मैंने उसे ओटीपी दे दिया, लेकिन गाइस जैसे मैंने ओटीपी उस बंदे को दिया उसके 5 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ हो गया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने अपना मोबाइल दोबारा से खोला तो गाइस मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं था, लिटरली पूरा मोबाइल फैक्ट्री रीसेट हो चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी उस बंदे का नंबर मैंने अपने दूसरे मोबाइल में भी सेव कर रखा था, जब मैं उसे अपने फोन से कॉल लगाता तो वो बंदा कॉल उठाता ही नहीं है, फिर कुछ देर बाद मैंने नंबर ब्लॉक कर देता है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी आईडी भी है को अगर आपको कोई भी ऐसा लिंक देता है फिर आपको कोई भी ओटीपी मांगता है तो आप लोग उसे कभी मत देना। अगर ओटीपी और लिंक की मत से गाइस आप लोगों की आईडी कोई बिना पासवर्ड जाने भी हैक कर सकता है। तो ऐसी बहुत दिन तक मैं उस बंदे को कॉल लगाता रहता हूँ लेकिन वो बंदा उठाता ही नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उस बंदे का खुद ही मेरे पास कॉल आता है। वो बंदा मुझसे बोलता है अगर अपनी आईडी वापस चाहिए तो मुझे उसका सीजन टू का लाइट पास बाय करके देना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं सीजन वन वाली आईडी थी वो फ्री फायर के अलावा भी बहुत जगह पे लॉग इन थी, तो मैं सोचा इसको सीजन टू का लाइट पास बाय करके दे दूंगा फिर मुझे मेरी आईडी वापस मिल जाएगी और फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात भी पता था अगर ये बंदा एक बार स्कैम कर सकता है तो दूसरी बार भी स्कैम कर सकता है। तो बंदा इलाइट पास बाय करने के लिए मुझसे बोलता है मुझे 400 रुपए का रिडीम कोड देना पड़ेगा, लेकिन उसे असली रिडीम कोड देने से पहले मैंने एक बार उसे फेक रिडीम कोड भेजा जो मैं पहले रिडीम कर चुका हूं। तो जैसे मैंने उस बंदे को वो रिडीम कोड भेजा उस बंदे ने मुझे तुरंत ब्लॉक कर दिया दोबारा से। यार मैंने कहा अच्छा हुआ भाई इसको मैं रिडीम कोड नहीं दिया, मैंने 400 रुपए का दोबारा स्कैम होता। यार फिर उस बंदे का दोबारा कभी कॉल नहीं आया मेरे पास और वो आईडी अभी तक उसके पास ही है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग बताना आप लोग ये स्टोरी कैसे लगी, और ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव बस इतना ही था कि आप लोग आईडी कभी स्कैम नहीं हो और आपकी आईडी कोई स्कैम कर भी ना पाए। और सेकंड चीज नहीं आप लोग कभी किसी से आईडी बाय करना ना ही एक्सचेंज करना, यार जितने भी आईडी सेलर और बायर होते हैं गाइस लिटरली हर एक स्कैमर होता है। यार आप लोगों से बस इतना ही बोलना था, आप लोग इन चीजों से बच के रहना क्योंकि आजकल फ्री फायर में बहुत स्कैम हो रहा है, इन स्कैम की वजह से गाइस आजकल फ्री फायर में बहुत ज्यादा सुसाइड केस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो और स्टोरी टाइम वीडियो तो इस वीडियो पे कंप्लीट करा लो 50,000 लाइक्स, और गाइस आप लोग इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त की आईडी भी स्कैम होने से बच जाए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आगे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। আমি তো সরু মানুষ সরু হয়ে থাকিম, আমি তো সরু মানুষ সরু মানুষ সরু মানুষ।